और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद में आज फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार कई दिनों से यही होता आता है, 11 बजे सदन बैठता है, हंगामा होता है, 3 मिनट या 4 मिनट भी पूरे नहीं होते, कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि भविष्य में जब दोपहर 2 बजे सदन बैठता है, फिर से 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट भी कार्यवाही नहीं चल पाती है, हंगामा होता है और अगले दिन 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो जाती है। कोई भी नेता, कोई भी पक्ष, कोई भी विपक्ष अपनी बात इस वक्त नहीं रख पा रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपके सामने दो तस्वीरें आ रही हैं। एक लोकसभा की तस्वीर है जहां पर ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है, सभापति ने, लोकसभा के सभापति ने। साथ ही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा होता रहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, इसी मांग को लेकर बीजेपी हल्ला कर रही है। दूसरी तरफ जेपीसी जांच की मांग अडानी के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा है। 18 विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, उन्होंने अपनी रणनीति तय की थी और रणनीति के तहत यह हंगामा हो रहा है। अब ऐसे में आने वाली तस्वीर यही होगी कि गांधी प्रतिमा के पास जाकर के सारे विपक्षी दल और बीजेपी के नेता बैठ जाएंगे जब तक यह सदन स्थगित है। जैसे ही सदन वापस एकजुट होगा, यहां पर फिर से हंगामा होगा, लोग वेल तक पहुंचेंगे और दोनों ही सदनों के सभापति यानी ओम बिरला और जगदीप धनखड़ फिर से कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं।